दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से राशन कार्ड की न्यू लिस्ट देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से घर बैठे राशन कार्ड लिस्ट चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड में आपका नाम है या नहीं है और आपके गांव में किन किन लोगों का राशन कार्ड बना है, पूरी जानकारी आप अपने ही मोबाइल से ले सकते हैं। आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट दर्ज हैं और आपको कितने यूनिट का राशन मिल रहा है, आप पूरी जानकारी अपने ही मोबाइल से घर बैठे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों का राशन कार्ड बना है और कौन कौन इसमें पात्र हैं, अपात्र हैं, पूरी जानकारी आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप राशन कार्ड की लिस्ट कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से स्टेट से देख रहे हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में नाम आप कैसे चेक करेंगे? वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की लिस्ट, आप कौन से प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला हैं वो आ जाएंगे। अब आपका कौन सा जिला है उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, आप शहर और कस्बे में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर टाउन पर क्लिक करना है, आपको अपना टाउन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक हो, जो भी आपका विकास खंड हो, उस पर आपको क्लिक कर देंगे। फिर आपके विकास खंड में जितने भी ग्राम पंचायत है वो आ जाएंगे। अब आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। मान लीजिए ये वाली आपकी ग्राम पंचायत है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके ग्राम पंचायत में कितने राशन कार्ड बने हैं और जो राशन कार्ड की कैटेगरी होती है वो दो तरह की होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पात्र गृहस्थी और अंत्योदय। तो आपके राशन कार्ड की जो कैटेगरी है, तो आपके कार्ड पर लिखा होगा पात्र गृहस्थी अंत्योदय। तो आपका कौन सा कार्ड है? अगर आपका पात्र गृहस्थी कार्ड है तो आपको जो नंबर लिख रहे हैं नीले में लिखे हुए नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नंबर पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा राशन कार्ड संख्या, कार्ड धारक का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, आपको ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको निकालनी है कि हमारे राशन कार्ड में कितने यूनिट दर्ज हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे राशन कार्ड संख्या है, उस राशन कार्ड संख्या पर आपको क्लिक करना है, पूरी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा राशन कार्ड संख्या और कार्ड का जो प्रकार है, वो पात्र गृहस्थी और दुकानदार का नाम, दुकान संख्या, कार्ड का नाम, पति का नाम, माता का नाम और कुल यूनिट की संख्या है वो दिख जाएगी। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या क्या नाम यूनिट में दर्ज हैं, पूरी जानकारी आप अपने ही मोबाइल से ले सकते हैं। तो लिस्ट आप अपने ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं कितने यूनिट दर्ज हैं और कितने यूनिट का आपको राशन मिल रहा है, पूरी जानकारी आप अपने ही मोबाइल से ले सकते हैं। और आपके गाँव में कितने राशन कार्ड बने हैं ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के नाम, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ही नया वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।